शांति सभी लोग विद्यमान की धूम बोलेंगे उनको सम्मानित करके हम राष्ट्रीय दुख की पूजा करें। कि हम सबको राष्ट्र से कितना लगाव,
कितना प्रेम होना चाहिए राष्ट्र के उन्नति उत्थान प्रगति के लिए। हम सब लोगों को मिलजुल कर ये काम करना चाहिए। जाति भेद और धर्म भेद ये सब मिटाकर हमें आपको राष्ट्र का उत्थान करना। जब अच्छे काम करोगे, अच्छा खान पान करोगे, अच्छे विचार जब पैदा होंगे, तब आपको राष्ट्रभक्ति का परिचय मिलेगा। और बिना गुरु भक्ति के राष्ट्रभक्ति हो नहीं सकती, क्योंकि भक्ति का प्रमाण केवल गुरु ही देगा। और भक्ति कैसे करनी चाहिए वो गुरु ही बताएगा। इसलिए हम लोगों ने गुरुओं को छोड़ दिया, संतों को छोड़ दिया, आज देश हमारा कितने पीछे चला गया। जो विश्व का अगुआ था आज भी उसके पीछे घूम रहा है। धीरे धीरे ऐसी व्यवस्था बनी जा रही है कि आप देखोगे भारत फिर से विश्व गुरु कहलाएगा। सबसे हमारा अनुरोध है कि आज राष्ट्रीय भक्त को फहराते हुए
राष्ट्र के हित में, राष्ट्र के कल्याण के लिए आपको संकल्प लेना चाहिए। ये संकल्प लोगे तभी कुछ काम आगे बढ़ेगा, लेकिन गुरु की महिमा को ध्यान में रखते हुए जब आप संकल्प लोगे तो तुम्हारा संकल्प पूरा हो जाएगा। अगर आपने गुरु को छोड़ दिया, गुरु नाम से अलग हो गए, तो कितना प्रयास कर लो आप राष्ट्र की उन्नति नहीं कर सकते। हमारे देश में राम और कृष्ण को सारी शक्तियां आई, उन्होंने गुरु के द्वारा ही और गुरु की प्रेरणा से और गुरु की भक्ति और शक्ति से उन्होंने जो कार्य किया है, आज उनका इतिहास यही है। आपको भी उसी इतिहास को ध्यान में रखते हुए सतगुरु दाता दयालु को आगे रखकर आपको आज की तिथि में राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए संकल्प लेना चाहिए, प्रतिज्ञा करनी चाहिए, वादा करना चाहिए कि हम सब देश के लिए एकजुट होकर के उन्नति तार वृत्ति का प्रयास करेंगे। ऐसी आशा हम स्वस्थ राष्ट्र के रहने वाले प्रेमों से करते हैं। सब लोगों को इसी तरह एकजुट होकर संगठित होकर समाज के प्रति सच्चे अच्छे काम करने चाहिए। जो अच्छे काम करोगे अच्छाई फैलेगी, उस अच्छाई से देश को सुख और शांति मिलेगी, सब देश के सुखी हो जाए तो भी समस्या का कोई भी समस्या नहीं रहेगी। और समस्या का समाधान यही है कि सबको सच्ची सुख शांति न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की उचित व्यवस्था हो।
मैंने जो सम्मान किया है वो हिंदुस्तान में कोई नहीं करता। किसी को फिक्र नहीं, किसी को जानकारी नहीं, केवल जोड़ी खींच के झंडा फहरा देना ये काम नहीं है। इसके प्रति आपका संकल्प होना चाहिए, आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए कि हम सब लोग जैसे एकजुट कर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया, यानी राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान हुआ तो कर्म करने से सम्मान होगा, ये भाषणबाजी से सम्मान नहीं होगा। 70 साल की आजादी केवल भाषणों में चली गई और जिन लोगों को कुछ नहीं मिला। अब इस बात को, इस प्रक्रिया को आप भुला दीजिए, भाषण न करके अपना कमी में उतरो और जब कमी करोगे, कर्तव्य करोगे, कर्म करोगे तब तुम्हारा नाम हो जाएगा इतिहास में। इसलिए इतिहास की तरफ देखो, कलयुग का इतिहास बनने वाला बनाने वाले परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इन्होंने संकल्प लिया है, प्रतिज्ञा ली है विश्व को सच्ची सुख शांति देने की। केवल हिंदुस्तान ही नहीं, सारे विश्व को सुख शांति देने का इन्होंने संकल्प लिया है, प्रतिज्ञा की है। आज वो राष्ट्रीय ध्वज के द्वारा हम आपको बताना चाहते हैं, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हुए राष्ट्र के प्रति हमारा कैसा प्रेम होना चाहिए, कैसा लगाव होना चाहिए, क्या कर्तव्य होना चाहिए, क्या हमारा कर्म धर्म होना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए। आप सब लोग ऐसे सुनिए, पीछे वाले विचार करेंगे।